जय श्री राम दोस्तों, आपको स्वागत है SKT फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 19th मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करते हैं, 6 अप्रैल को 7:30 को मैच स्टार्ट होगा, मतलब कल रात को 7:30 को मैच स्टार्ट होगा। और वेन्यू के बारे में बात करें, सौर मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में खेला जाएगा। मैं आपको वेन्यू भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इस पिच में टोटल मैचेस देखा थे, इस पिच में टोटल मैचेस 54 मैचेस खेले, उसमें फर्स्ट बैटिंग करने टीम 20 टाइम्स जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने टीम 34 टाइम्स जीते हैं। और इस मैच में टाई एक बार भी नहीं हुआ। कोई भी बैट जीतेंगे तो फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ओवर सेकंड बैटिंग करने टीम विन किए 34 टाइम्स। और इस पिच का हाई स्कोर के बारे में बात करें, राजस्थान रॉयल्स टीम का 214, इस पिच का हाई स्कोर है राजस्थान रॉयल्स का। और इस पिच का लो स्कोर के बारे में बात करें, इस पिच का लो स्कोर 59 रन पर राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट हो गए थे। और इस पिच का लोएस्ट स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स टीम का 59 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग के बारे में बात करते, इस पिच में एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने टीम को 160 से 180 तक बन सकते हैं। इस पिच का मैं आपको पिच रिपोर्ट भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। बिलो स्कोर के बारे में बात करते, इस पिच में कितना से कितना तक बन सकते हैं, इस पिच में देखा जाए तो बिलो 150 से स्कोर कम बार 150 से कम बार स्कोर 16 बार बने हैं, और स्कोर 150 से 170 बार स्कोर 19 बार बने, और 170 से 190 बार स्कोर 10 बार बने। और इसमें एबो स्कोर 190 से ज़्यादा बार स्कोर 9 बार बने। और इस पिच आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया, एबो स्कोर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। आप पॉइंट्स टेबल्स में देखा है तो दोनों टीम का पॉइंट्स टेबल में देखा था, राजस्थान रॉयल्स टोटल 3 मैचेस खेले, उसमें एक लॉस भी नहीं हुआ, और पोजीशन में देखा था सेकंड पोजीशन में। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में बात करते, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टोटल 4 मैचेस खेले, उसमें 3 लॉस हो गया और 8 पोजीशन, एक ही मैच विन किए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में 4 मैच खेल के। और इस पिच में फास्ट बॉलर्स को 58 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 46 विकेट मिले। इस पिच में देखा है तो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करना, 58 विकेट्स लिए हैं स्पिन फास्ट बॉलर्स ने। मैं आपको पॉइंट्स टेबल, बिलो स्कोर, पावर पिच रिपोर्ट, हर चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मैं आप दोनों टीम का प्लेइंग 11 के साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले राजस्थान रॉयल्स टीम का प्लेइंग 11 में देखा है तो उनके साथ स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। राजस्थान रॉयल्स टीम में प्लेइंग 11 में देखा जाए तो ओपनिंग में आएंगे जेसवाल और जॉस बटलर, ये दोनों प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। तीनों दोनों प्लेयर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा जाए तो जेसवाल का देखा जाए तो जेसवाल ने लास्ट 3 मैचेस में 10-5-24, भले ही लास्ट तीनों मैच में जेसवाल फ्लॉप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जेसवाल। और जॉस बटलर के बारे में बात करें, जॉस बटलर लास्ट 3 मैचेस में 13-11-11, जॉस बटलर भी फ्लॉप है लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको भी स्टार मार्क दे रहा हूँ। इस मैच में दोनों प्लेयर खतरनाक बैटिंग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जॉस बटलर और जेसवाल। और संजू सैमसन के बारे में बात करें, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स टीम का कैप्टन और विकेट कीपिंग संभालते हैं। इनका लास्ट 3 मैचेस में स्टार्ट देखा है तो 12-15-82 रन हैं। लास्ट 3 मैचेस में देखा तो एक ही मैच में 82 रन, मतलब फर्स्ट मैच में संजू सैमसन ने कमाल का बैटिंग किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर संजू सैमसन भी। और रियान परांग के बारे में बात करें, रियान परांग लास्ट 3 मैचेस में कमाल का बैटिंग किया, 54-84-43, लास्ट 3 मैचेस में कमाल का बैटिंग, इनको भी मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, इनको भी कप्तान रोहित शर्मा में ट्राई कर सकते हैं। तीनों मैचेस में कमाल का बैटिंग किया रियान परांग। और रविचंद्र अश्विन के बारे में बात करें, रविचंद्र अश्विन का देखा है लास्ट 3 मैचेस में 16 रन प्लस 0 विकेट, 29 प्लस 0 विकेट और एक विकेट मिले। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए अश्विन को एक ही विकेट में, लेकिन बैटिंग अच्छे करें, 16 और 29 रन मारे, भले तीनों मैचेस में बॉलिंग में देखा तो फ्लॉप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है रविचंद्र अश्विन। और शुभमन दुबे के बारे में बात करें, राजस्थान रॉयल्स का शुभमन दुबे चेन्नई सुपर किंग्स का नहीं, राजस्थान का दुबे है। देखा जाए तो इनका लास्ट 3 मैचेस में 8-3-22 रन है, लास्ट 3 मैचेस में दुबे भी फ्लॉप है। और जोरल के बारे में बात करते हैं, लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनको 2 ही मैच में बैटिंग चांस मिले थे, 20 और 20 रन मारे हैं। और सिमरन हिट मार के बारे में बात करते, सिमरन हिट मार का देखा जाए तो इनको भी लास्ट 3 मैचेस में 2 ही मैचेस में इनको बैटिंग में चांस मिले थे, 14 और 5 रन मारे। हिट मार भी लास्ट सीजन में देखे तो फ्लॉप ही जा रहे हैं। और ट्रेंट बोल्ट में देखा जाए, ट्रेंट बोल्ट का लास्ट 3 मैचेस में देखा 3-0-2, लास्ट 3 मैचेस में ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए टोटल 5 विकेट मिले, कमाल का बॉलिंग किया इस सीजन में ट्रेंट बोल्ट ने। और बर्गर के बारे में बात करते, बर्गर का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए टोटल इनको भी 5 विकेट मिले, कमाल का बॉलिंग किया, 2-2-1,
इस दोनों को मैं स्टार मान दे रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट और बर्गर की दोनों प्लेयर को कप्तान और स्कॉटर में ट्राई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और चाहल के बारे में बात करें, चाहल का देखा जाए तो टॉटन को 6 विकेट मिले लास्ट 3 मैचेस में, चाहल को भी आप कप्तान और स्कॉटर में ट्राई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए 3-2 और 1 लास्ट 3 मैच में टॉटन को 6 विकेट मिला चाहल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, वेरी वेरी खतरनाक बॉलर है, इनको आप 100% कप्तान और स्कॉटर में ट्राई कर सकते हैं। और इंपैक्ट प्लेयर में इनका इनका टीम में आएंगे अविष्कार, इनका लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए 1-1 और 0 लास्ट 3 मैच में टोटल इनको 2 ही विकेट मिला। अविष्कार फ्लॉप है लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, देखा है तो 2 विकेट मिले इस सीजन में लास्ट 3 मैचेस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। मैंने आपको मैं स्टार मार्क प्लेयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार मार्क प्लेयर बताए, 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है राजस्थान रॉयल्स के लिए। मैं आपको राजस्थान रॉयल्स टीम का प्लेइंग 11 के साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का टीम का देखा जाए तो ओपनिंग में कौन कौन आएंगे, ओपनिंग में इस टीम के लिए आएंगे विराट कोहली और फैब डुप्लेसिस। दोनों प्लेयर का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा जाए तो विराट कोहली भले लास्ट मैच 22 रन पर आउट हो गए थे लेकिन लास्ट दोनों मैच में देखा जाए 83 और 77 रन मारे, इनको भी अब कप्तान और स्कॉटर में ट्राई कर सकते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली को मैं भी स्टार मार्क दे दें, इस मैच में 100% 50 रन एबो ही मारेंगे विराट कोहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और फाइव डुप्लेसिस के बारे में बात करें तो फाइव डुप्लेसिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का कप्तान है, लास्ट 3 मैचेस में देखे थे 19-8 और 3 इस सीजन में, तो फाइव डुप्लेसिस फ्लॉप हो रहे हैं इस सीजन में, तो अच्छे बैटिंग नहीं किया, लास्ट सीजन में तो फाइव डुप्लेसिस कमाल का बैटिंग किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग चल, हर मैच में इनका 50+ रन रहते थे लास्ट सीजन में, और इस सीजन में देखा 3-8 और 19 रन है। और रजित पाटीदार के बारे में बात करें, रजित पाटीदार भी सीजन में अच्छा बैटिंग नहीं कर रहे, 29-3-18 लेकिन इनको इस मैच ऑफ कप्तान उसका टाइम ट्राई कर सकते हैं, इनको मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ। एक मैच में अगर एक फर्स्ट डाउन में आता तो 100% 50+ रन ही मारेंगे रजित पाटीदार, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ग्रेन मैक्सवेल के बारे में बात करें, इस सीजन में बॉलिंग अच्छे कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में फ्लॉप हो रहे हैं, लास्ट 3 मैचेस में देखे 0 रन प्लस 2 विकेट और 28 रन 3 रन प्लस 2 विकेट हैं, लास्ट 3 मैचेस में देखे इनको टोटल 4 विकेट मिले हैं। और बैटिंग में देखा था एक ही मैच में 28 रन मारा, दोनों मैच में देखे एक मैच में 3 रन और एक मैच में डकआउट हो गया, लेकिन इस मैच में भी मैक्सवेल एकदम अच्छा इंपॉर्टेंट इनिंग देंगे, उनके साथ साथ 1 या 2 विकेट लेकर भी देंगे, इनको भी मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्रेन मैक्सवेल भी इस सीजन में देखा था तो हर मैच में उनको भी 2-2 विकेट मिल रहे हैं। और कैमरन ग्रीन के बारे में बात करते, कैमरन ग्रीन का देखा जाए तो कैमरन ग्रीन ने लास्ट 3 मैच 9 रन प्लस 0 विकेट और 33 रन प्लस 0 विकेट और 3 रन प्लस 0 विकेट है, लास्ट 3 मैचेस में देखा था कैमरन ग्रीन को 1 विकेट भी नहीं मिला, लेकिन बैटिंग में देखा था एक मैच में 33 रन मारे हैं, लास्ट ईयर की तरह नहीं खेल पा रहे हैं, लास्ट ईयर मुंबई के टीम के लिए खेलते थे और अच्छी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छे संभाल लेते थे, इस सीजन में कैमरन ग्रीन फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक फर्स्ट डाउन ही प्लेयर है, अगर फर्स्ट डाउन ये भी कैमरन ग्रीन है तो पक्का 50 रन एबो मार सकते हैं कैमरन ग्रीन भी। और अनुज रावत के बारे में बात करें तो अनुज रावत विकेट कीपर बैट्समैन, इनका लास्ट 3 मैचेस में स्टैट्स देखा जाए तो 11-3 और 11 लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो अनुज रावत भी फ्लॉप है। और मोनन लोमर के बारे में बात की जाए तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 33-17, 66 रन प्लस 4 विकेट लिए, एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। और दिनेश कार्तिक के बारे में बात करें, दिनेश कार्तिक को मैं भी स्टार मार्क दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, लास्ट 3 मैचेस में देखे तो एक ही मैच में फ्लॉप है, 4 रन 20 और 28 रन मारे हैं लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो, इनको लास्ट मैच इनको बैटिंग में चांस मिले उसमें नॉट आउट जा रहे हैं और 28 और 20 रन मारे लास्ट मैच, भले 4 रन में आउट हो गए लेकिन दिनेश कार्तिक कमाल का फिनिशिंग रोल खेल रहे हैं इस सीजन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे हैं। और मयंक टाइगर के बारे में बात करते जाए तो लास्ट 3 मैचेस में 0 रन प्लस 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट लास्ट 3 मैचेस में मयंक टाइगर को 1 ही विकेट मिला, मयंक टाइगर भी इस सीजन में फ्लॉप जा रहे हैं, लास्ट ईयर एसआरएस टीम के लिए खेलते थे। और रचित टोपली के बारे में बात करते लास्ट 3 मैचेस में देखा तो 3 रन प्लस 1 विकेट और 0 रन प्लस 1 विकेट और 1 विकेट लिया, लास्ट 3 मैच में टोपली को भी 3 विकेट मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है रोहित टोपली। और मोहम्मद सिराज के बारे में बात करें, मोहम्मद सिराज ने देखा है तो मोहम्मद सिराज ने लास्ट मैच 12 रन प्लस 1 विकेट लिए थे 0 और 2 लास्ट 3 मैच में देखा था सिराज को भी टोटल 3 ही विकेट मिले। और इनका टीम में इंपैक्ट में आएंगे एस दयाल का देखा है तो लास्ट 3 मैचेस में 1-1 और 1 विकेट मिले, लास्ट 3 मैचेस में एस दयाल को भी टोटल 3 ही विकेट मिले, लेकिन एस दयाल भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं, देखा जाए तो इस टीम का लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है विराट कोहली और रजित पाटीदार, ग्रेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन को भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मान सकते हैं, उनके साथ साथ
अनुज रावत को देखा था। अनुज रावत इस सीजन में एक ही मैच अच्छे फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट मैच में अच्छे बैटिंग करे 60+ रन मारे थे और लास्ट 3 मैच में देखा था फ्लॉप चल रहा है। स्टार मार्क में विराट कोहली टीम में देखे थे, आरसीबी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है विराट कोहली और रजत पाटीदार, ग्रेन मैक्सवेल, कैमरे ग्रीन और दिनेश कार्तिक, ये पांचों प्लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मैं आपको आरसीबी टीम का प्लेइंग 11 के साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब दोनों टीम का हेड टू हेड में देखा जाए तो अब तक टोटल मैचेस लास्ट 5 साल में टोटल मैचेस 7 मैचेस खेले, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैचेस विन किए और बेंगलुरु ने 7 मैचेस विन किया। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाएंगे इसमें तो 4 हो जाएंगे और अगर आरसीबी जीतते हैं तो इस मैच में 8 हो जाएंगे। लेकिन हेड टू हेड लास्ट 5 साल में राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु के खिलाफ 3 ही बार जीते हैं और 1 बार नो रिजल्ट रहे, 1 बार बरसात के कारण कैंसिल हो गया था मैच। और टीम फॉर्म के बारे में बात करें, टीम फॉर्म में देखा था राजस्थान रॉयल्स लास्ट 5 मैच में 4 मैचेस विन किए और 1 ही लॉस हुआ, और आरसीबी का देखा था रिवर्स है, 1 मैच विन किया और 4 मैचेस लॉस हो गए हैं राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोनों टीम का मैं टीम फॉर्म और हेड टू हेड भी एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का की प्लेयर्स में देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए की प्लेयर्स है जयसवाल, जॉस बटलर, संजय सैमसन, ट्रेंट बोल्ट, चाहल, ये चारों प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए। और बेंगलुरु के देखा जाए आरसीबी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है विराट कोहली, ग्रेन मैक्सवेल, कैमरे ग्रीन और दिनेश कार्तिक, ये चारों प्लेयर्स बेंगलुरु के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। मैंने दोनों टीम का की प्लेयर्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया, आठों प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। मैंने दोनों टीम का आपको की प्लेयर्स भी एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का डेथ ओवर्स में बोलिंग कौन कौन संभालेंगे देख बताऊंगा आपको, मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों टीम का डेथ ओवर्स बॉलर्स में देखा जाए तो राजस्थान के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे ट्रेंट बोल्ट और आविस खान। ट्रेंट बोल्ट इस सीजन में कमाल का बॉलिंग कर रहा है, पावर प्लेयर है, हर मैच में 2-3 विकेट ले, उनके साथ साथ डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी कमाल का करते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के देखा जाए तो मोहम्मद सिराज और टोपली है, ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस सीजन में देखा जाए तो उनको टोटल लास्ट 3 मैचेस में उनको भी टोटल 3 विकेट मिले हैं। मोहम्मद सिराज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और कप्तान वाइस कैप्टन में देखा जाए तो आप कप्तान वाइस कैप्टन में जयसवाल को, विराट कोहली को, संजय सैमसन को, मैक्सवेल को, जॉस बटलर को, कैमरे ग्रीन को, चाहल को, अब इस 7 प्लेयर को कप्तान वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में किस किस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको लाइव टीम आपको मैं फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाऊंगा, 100% मनी इजिली से एन करेंगे। चलिए अब मैं आपको लाइव में टीम बनाकर दिखाता हूँ। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फाइनल टीम में आपको मैं स्वागत है। आपको मैं बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर्स को आपको मैं पिक करके दूंगा, आप 100% मनी इजीली से एन करेंगे। पहले विकेट कीपर्स में देखा जाता है बहुत सारे विकेट कीपर्स है, लेकिन मैं 2 विकेट कीपर को पिक करूंगा, दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर होंगे, संजू सैमसन और जॉस बटलर, ये दोनों विकेट कीपर को आप 100% पिक कर लें। भले ही जॉस बटलर लास्ट 3 मैच में फ्लॉप है लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप 100% पिक कर लेना। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक कर लिया। आप बैट्समैन में देखा जाता है बहुत सारे बैट्समैन है लेकिन मैं 4 या 5 बैट्समैन को पिक करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे। मैंने बैट्समैन में विराट कोहली को पिक करूंगा, जयसवाल को और फैफ डुप्लेसिस को पूरा, मैंने 3 ही बैट्समैन को पिक करूंगा, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और देखा जाए तो रजत पाटीदार को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि लास्ट 3 मैच देखे तो फ्लॉप है, लेकिन इस मैच में रजत पाटीदार कमाल का बैटिंग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, 100% इस मैच में रजत पाटीदार 50 रन+ ही मारेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक कर लिया, 4 बैट्समैन का स्टैट्स भी आपको मैं बता दिया हूँ। अब ऑलराउंडर्स में देखा जाए ऑलराउंडर्स में बहुत सारे ऑलराउंडर्स, लेकिन मैं 3 या 4 ऑलराउंडर्स को पिक करूंगा, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स होंगे, ग्रेन मैक्सवेल को, रियान परांग को और कैमरन ग्रीन को, ये तीनों ऑलराउंडर्स कमाल का ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब बॉलर्स में देखा जाते हैं बहुत सारे बॉलर्स हैं, लेकिन मैं 2 बॉलर्स को पिक करूंगा, ट्रेंट बोल्ट को और चाहल को, ये दोनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, दोनों बॉलर्स को कप्तान वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकते हैं। आप कप्तान वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो कप्तान में बनाऊंगा विराट कोहली को, और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो वाइस कैप्टन में जॉस बटलर को, मैंने वाइस कैप्टन में जॉस बटलर को बनाऊंगा। आप जयसवाल को भी ट्राई कर सकते हैं, जयसवाल को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया। अब मैं सेव करके रख लेता हूँ टीम को, मैं सेव भी कर दिया हूँ टीम को। अब टीम में देखा है तो बैकअप प्लेयर्स 4 प्लेयर को मैं ऐड करूंगा। बैकअप प्लेयर्स में देखा है तो मैं रविचंद्र अश्विन को पिक करूंगा, सिमरन हिटमायर को और एन बर्गर को और मोहम्मद सिराज को, पूरा मैंने 4 प्लेयर्स को बैकअप में ऐड कर लिया हूँ। आप सेव करके रख देता हूँ, आपको मैं बैकअप प्लेयर्स भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अश्विन है मेरा बैकअप में, सिमरन हिटमायर, बर्गर और मोहम्मद सिराज, पूरा मैंने 4 प्लेयर्स को बैकअप में ऐड कर लिया हूँ। अब सेव करके रख लेता हूँ, मैंने टीम को भी सेव कर लिया हूँ। मैंने विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया हूँ,
जॉस बटलर को और संजू सैमसन को। और बैट्समैन में देखा जाए तो पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार और एसीसी जयसवाल को। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में यहाँ पर मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, ग्रेन मैक्सवेल को, रियान परांग और कैमरन ग्रीन को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं 2 बॉलर्स को पिक किया, चाहल को और ट्रेंट बोल्ट को। मैंने कप्तान में बनाया हूँ विराट कोहली को और वाइस कैप्टन में देखा जाए तो एसीसी जयसवाल को। और मैंने 4 बैकअप प्लेयर्स को भी ऐड कर लिया हूँ, रविचंद्र अश्विन को और सिमरन हिटमायर बर्कर को और मोहम्मद सिराज को। पूरा मैंने आपको बैकअप प्लेयर भी आपको मैं बता दिया हूँ सब, आप हर चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मैं आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके SKT फैंटेसी सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। SKT फैंटेसी सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू, जय हिंद।